19 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जेएससीए स्टेडियम में खेले जाने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया को सपोर्ट करने जेएससीए स्टेडियम आएंगे। पहले ही दिन धोनी की पूरी संभावना है कि वो यहां खेले जाने वाले टेस्ट मैच के दौरान नॉर्थ पवेलियन में बैठकर मैच का लुत्फ उठाएंगे। धोनी काम व शूटिंग से फ्री हो चुके हैं। 19 को ही धोनी रांची आ जाएंगे। मालूम हो कि जेएससीए में 8 मार्च 2017 को यह पहला टेस्ट मैच भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। देश के प्रख्यात हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी रांची में 19 अक्टूबर से शुरू होने वाले टेस्ट मैच की कमेंट्री करेंगे। इंदौर में रहने वाले दोषी आकाशवाणी के लिए कमेंट्री करने के लिए आ रहे हैं। अन्य हिंदी कमेंटेटरों में वीवीएस लक्ष्मण, आकाश चोपड़ा, दीपदास गुप्ता, अभिषेक नायर और इरफान पठान होंगे। ये पांचों पूर्व क्रिकेटर हैं। एंकर के रूप में जतिन सप्रू कमेंट्री करेंगे। ये जानकारी जेएससीए के उपाध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने दी। हिंदी कमेंट्री की टीम के अलावा अंग्रेजी कमेंट्री के लिए भी टीम आएगी। कमेंटेटर 17 से 18 के बीच रांची पहुंचेंगे। पुणे में टेस्ट मैच भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से एक दिन पहले ही जीत गई। पहले ये कहा गया था कि अगर दूसरा टेस्ट मैच पुणे में पहले खत्म होता है तो टीम मैच खत्म होने के दूसरे दिन रांची पहुंच जाएगी, लेकिन जेएससीए के सचिव ने कहा कि दोनों टीमें 15 को ही रांची आएगी क्योंकि होटल भी 15 के हिसाब से ही बुक किया गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।